जय जगन्नाथ। आम सत्य अनुष्ठान शुक्ति सौरभ कार्यक्रम को समस्त को स्वागत करुछि। आजर शुक्ति आलोचन मु कहिबी महत आश्रयर महत्व, महत आश्रयर महत्व। संसार रे ए भली केही व्यक्ति नाही जहार जीवन रे आश्रय केबे दरकार होई नाही। कहिबार अर्थ बड़ ठारू छोट पर्यंत जिते मनुष्य ए जगत रे अछंती काहार केते बेले दिने ना दिने अन्न कहार आश्रय बा साहाज्य निश्चय आवश्यक होइतिबो। बिना साहाज्य बिना आश्रय रे कौनसी मनुष्यर जीवन नाही। तेबे ए छौ आश्रय आउ जो साहाज्य कथा मु कहुछि आपको आपण मान विचार करिवे। आश्रय हेत कतेक जगार अधिकांश मनुष्य अन्यर आश्रय रे निजर जीवन को चलाइ थांती थाका में आश्रय कहवा। आउ केतेक मनुष्य सामयिक भाव रे विपद आपदरे बा परिस्थितिर वशवर्ती होई सामयिक साहाज्य काठारु चाहि छांती छु साहाज्य चाहि थांती ताहा भी एक प्रकार आश्रय, एक प्रकार आश्रय। एणु मु कहिबा अर्थ होची ए जो आश्रय आमे खोजिथाउ लोड़िथाउ आमे कहार आश्रय नबा से संपर्क आम नीतिशास्त्र रे कवि मानंकर नीतिज्ञ मानंकर एवं विभिन्न विज्ञ मनीषी मानंकर जो सूक्ति गुड़िक रही ता भीतर गोटे जोड़े सूक्ति मु आलोचना करिबा पाई जाउछि। प्रथमे कहुछि नीतिशास्त्र सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवर्ज्यते। श्लोकर तात्पर्य या सेवितव्यो महावृक्ष आमे महावृक्षर सेवा करिबा उचित। कि प्रकार महावृक्ष? महावृक्ष तो जगत रे अनेक प्रकार वृक्ष अछि प्रकांडकाय वृक्ष रहिछ किंतु नीतिकार कहुछन्ति फल छाया समन्विता छौ महावृक्ष रे आमर उपभोग्य फल रहुथिबो एवं छाया भी रहुथिबो उभय जे दे पारुथिबो फल दे पारुथिबो एवं छाया दे पारुथिबो ए प्रकार महावृक्षर सेवा आमे करिबा उचित। काहिंकि नीतिकार कहिले जदि दैवात् फलं नास्ति ए प्रकार महावृक्षर सेवा करिथिले आश्रय नहिथिले जदि दुर्भाग्यवशत बा भाग्य विपर्जयरु वृक्ष आमको फल न देला छाया क्षेन निवार्यते गछरे फल सिना फलिब नाही छाई को किए कौन केवे दूरी नहीं पारे कि छाई तो अवश्य मिलेगा छाया भी कहीं रोकी पारे ना। एपरी कहार अर्थ होती आपण मैने विचार करेंगे ये महावृक्ष भाव महापुरुष मानकर गुण को ये कहु महापुरुष मानकर गुण कथा कह मानव जीवन रे जदि केवे आश्रय आवश्यक है मानव नीच लोक लघुजन इन लोकर आश्रय न नहीं महापुरुष आश्रय नवा उचित। कहीं ना फल न मिले छाई मिल एपरी कहार अर्थ होची फल न मिले छाई मिल कहार तात्पर्य
जे महावृक्ष महापुरुष मानक आस्थानुरूप धन सम्पद बा कामना प्राप्ति नहले विपद आपदे सुरक्षा निश्चित मिलिबो असमय सुरक्षा मिलिबो किपरि वृक्ष फल नदेले निजे खरा वर्षा को सही सेवक को निज पत्थर छत्र तले आश्रय देला परि महापुरुष माने जावतीय विपद आपद झड़ झंझा को मथापाति सही नियंती आश्रित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती एणु महापुरुष निकट रे आश्रय नेले आश्रित व्यक्ति के व्यर्थ बा निराश हुए नाही ये कथा इस श्लोक रे कहा जाए। यार अन्य गोटे उदाहरण मु आम ओडिया साहित्य भितर देवी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर गोटे पदरे कही कौन कहले से बंगला श्री रागर से पदटी कही से पदटी की मुवृत्ति करुची महत आश्रय महत रहिले न हुए महत्व हानि महारण्य बिना आश्रय ननिए मृगराज जानी महत आश्रय महत रहिले जड़े महापुरुष आश्रय आउ जड़े महापुरुष जदि रहंती ताले आश्रित महापुरुष महत्व मानवा मर्यादा हानि हुए नाही बा तुटि जाए नाही शून्य रहे शून्य हुए नाही अक्षुण्ण रहे या कहिबार होची जो माने महापुरुष से मानक जीवन रे भी आश्रय दरकार से माने आश्रय आवश्यक हेले आउ अन्य जने महापुरुष आश्रय नियंति किंतु नीच लोक बा इन लोकर आश्रय नियंति ना यार एक दृष्टांत से प्रदान करिचंति कहउचंति मेहर कवि महारण्य बिना आश्रय ननिए मृगराज ताहा जाने मृगराज सिंह सी पशु मानक मध्यरे राजा जंगल राजा अरण्य राजा पशु मानक राजा सिंह ये जो सिंह सी महारण्य बिना आश्रय ननिए मृगराज ताहा जाने ये जो महारण्य निबिड़ अरण्य विराट विस्तृत अरण्य भितरे सिंह आवास करे सिंह रहे आउ डुबुरी मुंडियार जो छोट काटिया गुल्म जंगल बा गाँ गहलीर खिया गहिरी तोठामाल बणबुदा गाँ गहिरीर ता भितर सिंह रहिबनी ता भितर सुगाल रहिब शशक रहिब एमाने रहिब किंतु से पशुराज सिंह से महान तेणु तार आश्रय भाव में महाअरण्य को से बाछी नहीं महारण्य भितर थी तार महत्व हानि होना तेणु महारण्य बिना आश्रय ननिए मृगराज ताहा जाने एणु आम जीवन जदि केवे आश्रय आवश्यकता हुए आमे महापुरुष मानकर आश्रय नवा या द्वारा आमर महत्व हानि हब ना ये जगार मुझे कहुची नीच जन इन लोक ये कौन सी जाति कथा कहा जाऊना ये नीचता एवं हीनता व्यक्तिर प्रकृति कथा कहा जाऊ जड़े उच्च कूल जन्म होलीन होचर प्रकृति को जदि नीच करे आमे नीच बोली कहवा आमे हीन बोली कहवा किंतु जड़े गोटे निकृष्ट समाजर अवहेलित घृणित वंशरे जन्म ही जदि
आर प्रतिभा से देखाए महान हो पारे निज प्रकृति को जदि से उज्जवल कै ताको महान भाव ग्रहण करवा खत गतार पद्म फुटवा पर जड़े समाज एक अवहेलित संप्रदाय भितर जन्म ही जगत में बड़ ही पाए आने उच्च संप्रदाय मध्य जन्म ही सान ही जाए तेणु व्यक्तिर चरित्र एवं व्यक्तिर प्रकृति स्वभाव आचरण ताकू नीच करे एवं ताकू महत करिथाय एठी से नीच एवं महत कथा कहा जाइछ एणु यही जीवन जो आश्रय आम आवश्यक हुए आम सदा बेले महापुरुष मानक आश्रय नवा ये प्रसंग एक उदाहरण आपण मान आगे देवाक चाहे जहाकु लिखिंट आमर महाकवि कालिदास कालिदास मेघदूत काव्य रचना करोटे सुंदर श्लोक अवतारणा करने को चाहिए धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात कमेघ संदेशर्था खपटु करणई प्राणी भी प्रापणीया इत्यौ छुक्याद परिगणयन गुह्यकस्तन जजाचे कामार्था ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु कई बार तत्पृच्छ होची छे मेघदूत काव्यर वर्णना अनुसार कुबेर अभिशाप यक्ष निज पत्नी ठारु विच्छिन्न हो रामगिरी चित्रकूटरे छाई अवस्थान करितला एक वर्ष पर्यंत निर्वासित होता निज प्रिया ठारु विजुक्त होता विजुक्त ओई सेठी जेते बेले से जाय अवस्थान करिछि अवस्थान करिबा समय रे आठ मास बीती जाइछि आकाश रे कोला हंडिया मेघ माने आसिछंती आषाढ़ मास आसिछि आषाढ़ रो प्रथम दिवस रे से मेघ को देखुछि ये श्लोक रे कालिदास कहउछंती मेघ किए धूम ज्योति सलिल मरुत धुआ आलोक आलोक बा तेज अलिल कहले जल मरुत कहले पवन चारिटा होचंती कौन ना निर्जीव जड़ जड़ वस्तु चारिटा जड़ वस्तुर मिश्रण होची मेघ से मेघ को यक्ष प्रार्थना करुछि से आठ मास गलाणी चार मास पर मु जीवी आ मोर अंबाद तमे दया करी तमे तो समग्र भारत वर्ष बुलिबो एणु अलकापुर मोर पत्नी निकट मो संवाद दब दूत करी मेघ को यक्ष पठाऊ पठेला बेले से कहुची जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुवर गतोऽहम् जात्या मोघावर मधिगुणे नाथ मे लब्ध काम गोटे इम्पोर्टाट लाइन बोली जहाँ कहजिव कालिदासंकर सुक्ति से कहते यक्ष कहुची हे मेघ जातं वंश हे भुवन विदिते पुष्करा वर्तकानां भुवन विदित जगत विख्यात छु बड़ बड़ मेघ माने से पुष्कर मेघ आवर्तक मेघ संवर्तक मेघ ये जो बड़ बड़ मेघ माने से बड़ मेघ मान कूल तुम जन्म होणु तुम्हें महान वंश से जन्म हो मेघ तुम्हें महान बड़ कूल तुम जन्म तापर तुम बड़ लोकर कार्य पुरुष से बड़ लोक किए ना जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोना मघोना अर्थात इंद्र देवता मानंकर राजा से इंद्र से परी महान देवतांकर तुम हम कार्य पुरुष एणु तुम्हें निश्चित भाव महान से तुम्हें महान मु संवाद टेकि प्रिया निकट को पठाइवाई तुम निकट
अर्थी जाचक जाचक तुमको प्रार्थना करुची एवं भावुची तुम्हें मो संवाद टी निश्चय मो प्रिया निकट दब ताप कालिदास कहते मेघ कहूँ से चिया मोघा बरम अधि गुणे नाधमे लब्ध कामा जत्सिया मोघा फी अधि गुणे बरम प्रार्थनाटा भिक्षाटा छदी निष्फल हो जाए भिक्षा छदी निष्फल हुए अधिक गुण संपन्न व्यक्ति महान व्यक्ति निकटरे जदि प्रार्थना निष्फल हुए तेटा भल किंतु नाधमे लब्ध कामा किंतु अधम व्यक्ति नीच व्यक्ति संकीर्ण मना व्यक्ति नीच लोकटार प्रार्थना सफल हेले फलवती हेले जगत रे निंदनीय होता है। जगत लोक कहते तथे आउ किए मिलने ताकि हाथ पटे अरे यहाँ कौन मनीषे गणिता ठाकुर किए जगत रोटे लोक बोली मनीष बोली गारे ये भाई गोटे नीच लोक पाखे चाहिए हाथ पटे प्रार्थना कल से जगत निंदित हुए एणु अधम व्यक्ति ठारे प्रार्थना सफल हेले निंदनीय आउ उत्तम महान व्यक्ति निकट प्रार्थना विफल हेले श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय होता है। गोटे श्लोक कहवापर मु महत् आश्रय महत्व प्रसंग को समापन करी अन्यतम श्लोक कहुची जदि विभव विहीन चिंतये चक्रपाणी नच लघुजन सेवा नभृति जाचक चरती रुधिर मंसं केसरी कुंजराणाम नचरति तृण काष्टम प्राणकंठा बलग्रह। सुंदर नीति श्लोक सुंदर सूक्ति आज संस्कृत भाषा लोक मैंने अध्ययन विशेष करूना संस्कृत भाषा जे समग्र समाज नीतिमूलक चक्षु थिला समाज को सुशृंखलित करूला संस्कृति को बंचौला ये कथा को लोक मान बुझी भूली जाए आधुनिकता भितरे निमज्जित हो केवल अर्थ कर विद्या पक्ष धाई चरित्र कर विद्या को भूली जाऊंट श्लोक कौन कहू श्लोक कहू जदि विभव विहीन जदि धनहीन हो जाच संपद नहीं चिंतए चक्रपाणी चक्रपाणी जे नारायण भगवान भगवान को चिंता कर भगवान को चिंता कर नच लघुजन सेवा किंतु नीच लोकर सेवा करना निजर विपद को टाणी कौन सी हीन चरित्र व्यक्ति नीच चरित्र व्यक्ति सेवा कर ना आउ न मृत्यु जाचक जाचक वृत्ति करना खाद्वर भिक्षा मागिबा ये काम कर ना तार उदाहरण दिशे कहले चरती रुधिर मंसं केसरी कुंजराणाम केसरी कहले सिंह से कुंजर अर्थात हस्ती हस्तीर मस्तक कुंभ को विदारण करी ता भितर रक्तपान करिबो एटा सिंहर आहार एटा सिंहर खाद्य आउ नचरती तृण काष्ठम प्राणकंठा बलग्रह सिंहर प्राण सदि कंठ ठारे आसी पहुंचे या मान मृत्यु से निकटवर्ती होगले मृत्यु निश्चित होगले सिंह बंचापी के नचरती तृण काष्ठम ये घास पाल पथर आखु सिंह खाइब ना सिंह गज कुंभ को विदारण कर रक्त पान कर कहार अर्थ समाज में जो मैंने महापुरुष से मैने अन्य महत् व्यक्ति आश्रय निच व्यक्तिर आश्रय निणु सर्वदा महत आश्रय
करणीय महताश्रय रहिले मानवर महत्व शून्य हुए ना। जदि आम जीवन आवश्यकता हुए तेबे आमे नीच लोक पाखकु न जाय सदा बेले समाजर जो माने महापुरुष से मानकर आश्रय नेबा वांछनीय।